हेलो फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चरर और यूपीपीजीटी की इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में थ्रू आउट द लेक्चर जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन तीन मुख्य टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और चूंकि ये तीन टॉपिक है तो इन तीनों टॉपिक को कवर करते करते थोड़ा इलेबोरेटिव अगर होके इसको डिटेल में थोड़ा बताया जाए तो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, मे बी एक घंटे का ये हो जाए, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो थोड़ा आपको पेशेंस बना के इस पूरे लेक्चर को देखना है और ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक TGT, PGT, UPPCS इन सभी एग्जाम में इन टॉपिक के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, पॉसिबल न्यूमेरिकल्स, वो सब न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो हेडिंग हमने लिखा है इसको हम एक और नाम दे सकते थे, मोशन इन वन डायमेंशन कह सकते हैं या फिर इसी को हम ये भी बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है और उसी स्ट्रेट लाइन के लिए ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि इसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। तो इतने तरह से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलिए चाहे आप मोशन इन वन डायमेंशन बोलिए, उनका सबका मतलब एक ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चले, स्ट्रेट पाथ पर चलने का मतलब कि उसका सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होगा। अगर तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं और कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चले कि उसका तीनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वैरी करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इस स्ट्रेट पाथ पर चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चला तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, जब पॉइंट बी पर पहुँचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज होकर वी हो गई। ए से बी तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम हम बोल रहे हैं टी टाइम है, और इस दौरान जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है यानी एक्सीलरेशन है वो ए है, और ये ए एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ए से बी तक एक स्ट्रेट पाथ पर एक वन डायमेंशनल मोशन अगर करे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा है तो जो भी इसके ये जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, फिजिकल ये वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। तो कितने इक्वेशन ऑफ मोशन इसके आपको पता है ना? तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, यह है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर स्ट्रेट पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, और कैसे जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। इंपॉर्टेंट बात आपको यही पकड़ के रखना है कि ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लिखते हैं वो आप तभी यूज कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये नहीं जरूरी है, वेलोसिटी तो चेंज होगी तभी तो एक्सीलरेशन उसके अंदर आएगा। तो वेलोसिटी तो वेरी कर सकती है लेकिन एक्सीलरेशन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और लास्ट है। अब देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद होते हैं लेकिन ये जो चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इस इक्वेशन को भी आप याद रखिए और इस पर न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़ा स्पेशल है। तो इसका इक्वेशन है एस इज इक्वल टू
यू प्लस वन बाई टू ए और ब्रैकेट में टू एन माइनस वन और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एनएथ एनएथ। अभी हम इसका मीनिंग आपको समझा रहे हैं। देखिए इस वाले फार्मूले में जो एस है वो क्या है, वो टी टाइम में कवर किया गया टोटल डिस्टेंस है। टी टाइम में कवर किया गया टोटल डिस्टेंस जो एस है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेगा। और ये क्या है, ये एस है एनथ सेकेंड में, एनथ टाइम में या एनथ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा ये वो है। तो इसके लिए एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस वन बाई टू ए टू एन माइनस वन, जहां पर एन क्या है वो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, और वो पांच सेकेंड तक चलने के बाद यहां से यहां पहुंच जाता है, तो इसका मतलब कि पांच सेकेंड टाइम की वैल्यू हो गई। तो टोटल पांच सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इस फार्मूले से आप पता करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पांचवें वाले सेकेंड में, लास्ट वाले सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो फिर इससे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो टोटल पांच सेकेंड का बताएगा, पांचवें वाले सेकेंड का नहीं बताएगा, या चौथे वाले सेकेंड का भी नहीं बताएगा, तीसरे वाले सेकेंड का भी नहीं बताएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर सेकेंड के लिए जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। और वो पर्टिकुलर सेकेंड क्या होगा, अगर वो पांचवा है तो एस फिफ्थ हो जाएगा, एनवा है तो एस एनएथ इज इक्वल टू यू प्लस वन बाई टू ए ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, जहां पर एन का मतलब यही है कि अगर पांचवें सेकेंड में पूछा जाएगा तो एन की वैल्यू फाइव, चौथे सेकेंड में डिस्टेंस पूछा जाएगा तो एन की वैल्यू फोर। ठीक है, तो ये फोर्थ इक्वेशन आपको बहुत ही ध्यान से इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल बातें यहाँ पर जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि फाइनली जाके रुक जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो फाइनली जाके रुक जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की जीरो हो जा रही है, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो होने पर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये जब जीरो आप रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ये जो वैल्यू आ रही है एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ये एस की वैल्यू है, मतलब जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ये वो डिस्टेंस है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी, जीरो थी। तो पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था कि वो जो बुलेट होता है, बुलेट जब जाके वुडन ब्लॉक में ऐसे जाके है ना इसे टकराता है, तो ये थोड़ा अंदर जाने के बाद, यहां जाने के बाद रुक जाता है। तो ये कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये डिस्टेंस आप पता करने के लिए इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता हो लेकिन फाइनली वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस पता करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट फाइनली जाके रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी आप चला रहे हो और गाड़ी में आपने वही पिछला क्वेश्चन, पिछले लेक्चर का ही क्वेश्चन देखिए आप, कि सामने अगर सड़क के बीच में कोई लड़का खड़ा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपको वो लड़का दिख जाए तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, वो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती है और रुक जाती है फाइनली। तो ब्रेक लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस तक और जाता है वो डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए आप स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी बात तभी होती है जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन आप याद रखिए, और इन चारों इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में, ये तो इक्वेशन आपको याद ही रखना है, और इन इक्वेशन में हमने एक बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्स्टेंट केस ये है कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट के मोशन पर ग्रेविटी का असर पड़े, तो ग्रेविटी का असर पड़ने का मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा वर्टिकली कैसे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये काम करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, सपोज कि ए एक्सेलरेशन से आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो तो इस ऑब्जेक्ट को अपोज करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ऐसे ड्रॉप करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, तो नीचे की ओर जब ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे या छोड़ेंगे तो ऐसे केस में ये जो जी है वो इसको हेल्प करेगी या सपोर्ट करेगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है तो इस जी का उसके ऊपर असर पड़ता है। वर्टिकल इसको भी बोलेंगे, वर्टिकल इसको भी बोलेंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा। और जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो तो ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज हो जाते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले हम इस केस में बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है ना, यानी अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा हो तो ऐसे केस में जो आपका ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो जी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी, और ये जितना भी ऊपर जाएगा वो डिस्टेंस को अब हम हाइट बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे तो अब डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो उस जी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी बोला जाएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे में जो आपका ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो कैसे चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस जी, तो माइनस जी और t। दूसरा आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करे मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नंबर वन, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ऐसे लिखेंगे, और आप देखिए बीच में क्या आ जा रहा है माइनस। ठीक है, अगर इसका उल्टा केस ले लिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने लगे, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो ए की जगह पर ए इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा, क्योंकि जी के डायरेक्शन में है, और एस इक्वल टू एच हो जाएगा। तो ऐसे में तीनों इक्वेशन कैसे लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले आएगा v इक्वल टू यू, सभी माइनस प्लस हो जाएंगे, u प्लस जी टी, और दूसरा हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत ही आते हैं, और ऐसे केस में ये इक्वेशन में माइनस आ जाता है, और ऐसे केस में इक्वेशन में बीच में प्लस आ जाता है, ए को जी से और एस को एच से रिप्लेस करना रहता है। ठीक है, तो मोशन, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक है उसमें आप ये इक्वेशन के बारे में इतना बेसिक जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से ऊपर की ओर फेंक दी जाए तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम माइनस एच के इक्वल लेते हैं, तो कब वो माइनस रहता है कब वो प्लस रहता है, ये सारी सिचुएशन आपको हम न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि समय की जो है थोड़ी यहाँ पर समय दी जाए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर नोट करने के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में ही हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंतर्गत ही हम कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ खास खास, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ में जैसे आप देखिए कि पोजीशन टाइम का ग्राफ हो जाए, और इसके अलावा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो जाए, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो जाए, तो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है वो क्या चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, और उस ग्राफ के को देखकर आप उससे क्या मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। और ये ग्राफ वाला जो टॉपिक है आप अलग से इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन और प्लस ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग खास करके कुछ खास ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो ये हम यहाँ पर एक ये सेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्स टी ग्राफ के बारे में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन ये जो एक्स है वो पोजीशन, अब उसको आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हम टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसी को हम इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। ठीक है,
तो इसमें जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो ये एक्स एक्सिस पर दिखाया जाएगा, और ये जो एक्स है वो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो जैसा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से थोड़ा बहुत आपको स्केलर और वेक्टर का ध्यान रखना है। सबसे पहला केस ये कि अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि आप ग्राफ के अगर बहुत सारे इस पे पॉइंट आप इमेजिन करिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें नीचे जाएंगे तो अलग टाइम मिलेगा, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अलग टाइम मिलेगा, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अलग टाइम मिलेगा, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अलग टाइम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ ये बता रहा है कि अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सेम है। तो अगर टाइम अलग अलग है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन सेम है, इसका मतलब कि वो पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रखा हुआ है, तभी तो 10 बजे भी वहीं पर था, 11 बजे भी वहीं था, 12 बजे भी वहीं था, मतलब टाइम वेरी हो रहा है लेकिन इसका पोजीशन वेरी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिलता है XT के साथ हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। दूसरा केस समझ लीजिए, दूसरा केस ये है कि अगर पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरीके का मिलता है, या कभी भी किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर ऐसा ग्राफ मिलता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिल जाए दो क्वांटिटी के बीच में, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जिस रेशियो में ये चेंज हो रहा है उसी रेशियो में ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक्स और टी दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये घटेगा उसी रेशियो में ये भी घटेगा। तो अगर दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा। और आप देखिए कि अगर ये जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन का मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर एक्स और टी के बीच में ऐसा ग्राफ मिले तो इस ग्राफ से कंक्लूजन ये निकलता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स अपॉन टी का मतलब वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बजाय ये डिस्टेंस है तो ये कांस्टेंट स्पीड को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो ये एक्स अपॉन टी कांस्टेंट होगा, और एक्स अपॉन टी में एक्स जो है वो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मोशन कैसा हो रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। और तीसरा केस इसी में आप समझ लीजिए, तीसरा केस ये है कि अगर एक्स और टी के बीच में जो ग्राफ है वो मान लीजिए इस तरह का ग्राफ मिले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि आपको चार पांच ग्राफ दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कि विच वन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ग्राफ को देखते हुए एनालाइज करना पड़ेगा कि हर ग्राफ में जो भी ग्राफ आपको मिल रहा है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या निकल रहा है, जरा देखिए क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। देखिए इसके अगर बहुत सारे पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, हर एक पॉइंट को नीचे ले जाएंगे तो यही चीज पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन इधर ले जाएंगे तो अलग पोजीशन, अलग पोजीशन, अलग पोजीशन, मतलब कि टाइम एक ही मिल रहा है लेकिन पार्टिकल के पोजीशंस अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पर पार्टिकल कई अलग अलग पोजीशन पर है। इसका मतलब कि पार्टिकल की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट है, यानी पार्टिकल इतना तेज चल रहा है कि 12:05 पर वो एक जगह पर है और सेम टाइम पर दूसरी जगह पर भी है, मतलब उसकी स्पीड इनफाइनाइट है। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आप जानते हैं भगवान को छोड़कर ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही जगह पर कोई चीज़ कई जगह, मतलब एक ही समय पर कई अलग अलग जगहों पर हो, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो पोजिशन टाइम से रिलेटेड इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। एक और बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप कि एक्स और टी अगर ये एरिया आप निकालते हैं, ठीक है, एरिया से यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें और कुछ नहीं जानना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, ये तो थोड़ा सा लेटर को हम छोटा लिख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इतने में ही सारा कुछ हो जाए। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस आप ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ये, और एक ही ग्राफ से हम सब एक्सप्रेस कर रहे हैं इसी में, ठीक है, एक ही ग्राफ में तीनों बातें लिखेंगे। ये टाइम हो गया और यहाँ पर मान लीजिए ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को अगर हम स्पीड ले लेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो भी देख लेंगे। सबसे पहला केस ये कि अगर हम ऐसा ग्राफ खींचते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ग्राफ नंबर वन है, ये ग्राफ नंबर वन जो है वो क्या बता रहा है,
ये बता रहा है कि अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम है। अलग अलग टाइम यानी ग्राफ को नीचे ले जा रहे हैं तो अलग अलग टाइम आपको मिल रहे हैं T1, T2, T3, लेकिन अगर इन सभी पॉइंट्स को हम वेलोसिटी वाले एक्सिस पर पीछे ले जाए तो सेम वेलोसिटी आ रही है। मतलब टाइम वेरी हो रहा है लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन को, ये जो ग्राफ नंबर वन है वो क्या बता रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम में अगर हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलता है और इस टाइम के पैरेलल, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। और आपने पीछे ये भी देखा कि इसी यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ से दिखाना चाहते हैं तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है और ये ग्राफ इस तरह से स्लैंटिंग ग्राफ है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया है और ये पोजीशन और टाइम के बीच में खींचा गया। तो एक ही बात को बताने के लिए ग्राफ का नेचर बदल जाएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी यहां पर अलग अलग है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का मिल जाए, अब इसको हम हटा रहे हैं, ग्राफ का नेचर अगर ऐसे इसकी बजाय ऐसा मिलने लगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा, ये ग्राफ नंबर टू हो गया। तो ये मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि जब दो क्वांटिटी के बीच में ऐसा ग्राफ मिले, इसका मतलब दोनों कांस्टेंट हैं, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी सेम डिस्कशन है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम दोनों, ये ग्राफ नंबर टू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है तो ये भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि v बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और v बाई टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी और टाइम का रेशियो कांस्टेंट है, दैट मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी आया था, क्योंकि ये पोजीशन था, तो पोजीशन अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, और यहाँ पर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रहा है। तीसरी बात ये कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको जो भी ये ग्राफ मिल जाए, चाहे इस नेचर का मिल जाए चाहे इस नेचर का मिल जाए, अच्छा अगर तीसरे वाले ग्राफ की हम बात करें तो तीसरा ग्राफ क्या बता रहा है, मान लीजिए अगर हम इस तरह से कोई ग्राफ खींचे, ये ग्राफ नंबर थ्री है, तो इस ग्राफ के भी बहुत सारे पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो देखिए क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि सब टाइम एक ही लेकिन वेलोसिटी अलग अलग। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो? कभी आप उसी टाइम पर बताइए कि नहीं ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और सेम टाइम पर आप बोलिए नहीं 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज हों, मतलब ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, जैसे इसमें तीसरा वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं था, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसको हटाते हैं। एक और ग्राफ की बात यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, और वो क्या है, मान लीजिए कि आपको ये वाला ग्राफ मिला, तो इसमें अगर आप स्लोप निकालते हैं, ग्राफ का स्लोप भी होता है, स्लोप का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, स्लोप का मतलब टेन थीटा से होता है, और टेन थीटा कैसे निकलता है, तो अगर ये ग्राफ है आपका तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, ठीक है, तो ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है वो तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, और बेस का मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो कि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं यानी टेन थीटा निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी वेलोसिटी अपान टाइम, और वेलोसिटी अपान टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपान टाइम को एक्सेलरेशन बोला जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करता है, इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ भी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चार इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, एक तो ये कि इस वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, इस वाले केस में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रहा है, और जो भी ग्राफ आपको मिले चाहे ऐसा जब उसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। और तीसरी बात, चौथी बात ये कि अगर आप यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, अगर ये जो ग्राफ आपको मिल रहे हैं, ये वाला ग्राफ मिल रहा है या ये वाला ग्राफ मिल रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी टाइम
जो ग्राफ आपको मिलता है उस ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है टाइम वाले एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए ये वाला आपको ग्राफ मिला है ग्राफ नंबर टू, तो इसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है, जैसे ये पूरा एरिया, ये जो एरिया कवर हो रहा है टाइम वाले एक्सिस पर, ये एरिया जब आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए इसका एरिया क्या आएगा, यानी एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर, और कौन से कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आया है वो एरिया देखिए, अगर ये पूरे एरिया की बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो 1/2 × बेस × हाइट ये फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का। तो बेस जो है वो तो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है और जो हाइट है वो वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यानी 1/2 × बेस × हाइट। अब 1/2 तो एक नंबर है, इसको आप छोड़ दीजिए, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी अगर आप एरिया निकालेंगे इसमें, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम कर्व, तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ आ रहा है उसके अंडर में जो एरिया निकालेंगे तो उसमें वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एरिया का मतलब कि दो डायमेंशन का प्रोडक्ट, और जो यहाँ पर आपने ग्राफ बनाया है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो एक साइड टाइम को बताएगी, दूसरी साइड वेलोसिटी को बताएगी। तो एरिया चाहे आप रेक्टेंगल का निकालिए, चाहे ट्रायंगल का निकालिए, चाहे स्क्वायर का निकालिए, हमेशा इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई ही तो होगा, है ना। वो अलग बात है कि कभी किसी में 1/2 आएगा और किसी में 1/2 नहीं आएगा, लेकिन हमेशा इस दोनों एक्सिस का मल्टीप्लाई तो होगा। तो यानी कि एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल आएगा, और वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होता है आप देखिए यहाँ से, कि वेलोसिटी अपान जो टाइम है वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपान टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं, यहाँ से नहीं हो पाएगा, आप यहाँ से देखिए, ये जो आपने रिलेशन लिखा हुआ था, और ये हम कहाँ पर लिख दें, चलिए यहाँ पर समझा देते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल आता है, और वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपनी कॉपी में बहुत ही ध्यान से इस बात को आप नोट करेंगे, इन दो बातों को, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वो एक्सेलरेशन को बताता है, और जो एरिया अंडर दी कर्व आता है, मतलब इस वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप बहुत ही केयरफुल्ली इसको नोट करेंगे और इसको दिमाग में भी रखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट है ये आपका वेलोसिटी टाइम के बाद लास्ट क्या बचा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लीजिए आप सेम टाइप से, अगर मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है यहाँ पर और यहाँ पर ये टाइम है, तो अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए, सपोज कि ये ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप देखिए इस ग्राफ के बहुत सारे पॉइंट को आप इमेजिन करिए, तो ये नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, तो अलग अलग टाइम T1, T2, T3 तमाम अलग अलग टाइम मिलेंगे, लेकिन इसी पॉइंट्स को जब पीछे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन तो एक ही मिलेगा। इसका मतलब टाइम वेरी हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वेरी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो, यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ आपको मिल जाए, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ मिल जाए, तो ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एरिया और टाइम ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ऐसा ग्राफ मिलने का मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट एक ए और टी जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इनका रेशियो भी कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम जो क्वांटिटी है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का रेशियो कॉन्स्टेंट हुआ तो उसको तो एक्सेलरेशन बोल दिया, लेकिन जब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इस वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अगर आप इस ग्राफ का, ये सपोज कि ये जो ग्राफ मिला है इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो एक्सेलरेशन को बताएगा, बेस जो है वो टाइम को बताएगा, तो ए अपॉन टी आएगा, और इसका भी वही मतलब निकला कि कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। तो ठीक है, स्लोप को हम छोड़ देते हैं, स्लोप के अलावा नेक्स्ट जो है एरिया अंडर दी कर्व,
तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल आएगा। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके इक्वल होता है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए यहाँ से वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। यानी ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ होता है उसके केस में इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो वेलोसिटी को बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो एक्सेलरेशन को बताता है, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और जो इसका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें जितनी भी बातें हमने आपको बताई कि किसी भी ग्राफ को देख के कैसे एनालाइज करना है कि वो क्या चीज़ को बता रहा है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो ग्राफ के नेचर को देखकर आप समझ सकते हैं। बस दो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि स्लोप और एरिया ये कैसे निकाले जाते हैं। तो स्लोप हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकलता है, मतलब इन दोनों का रेशियो, और एरिया का मतलब इन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी और टाइम में जो इसका एरिया निकाल रहे थे यानी प्रोडक्ट था वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा था, एक्सीलरेशन और टाइम में जो एरिया था वो वेलोसिटी को बता रहा था। ठीक है, तो ये जो आपका पहला टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ, ये टॉपिक अब कवर हो गया। इतनी चीज़ें, इतनी बेसिक जानकारी पर्याप्त हैं, बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके बच्चे होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट छूटा होगा वो सब वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा उसी को हम मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं, उसी को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मोशन इन टू डायमेंशन का एक एग्जाम्पल है। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से चले कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसके दो दो कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे हों तो उसको हम मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक प्लेन में होता है, प्लेन में, क्योंकि प्लेन जो है वो टू डायमेंशन होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर एक प्लेन में हो रहा है तो उस मोशन को हम मोशन इन टू डायमेंशन बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी एक प्लेन में मोशन होता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इधर से फेंकने पर उधर जा रहा है, तो जिस जिधर से ये चलता है और जहाँ पर वो वापस गिरता है ये पूरा एक प्लेन में हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि इधर से जाके इधर इधर ऐसे करके ये कर्व होके जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे चलता है तो वो जब अगली बार जहाँ पर गिरता है ये पूरा एक सरफेस पर एक पूरे प्लेन के अंतर्गत ही आ सकते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन इन टू डायमेंशन भी बोला जा सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझिए, और इसी डायग्राम से ही तमाम चीज़ें आप समझ जाएंगे, इसके फार्मूले वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, एक किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए तो ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके का मोशन करता है उसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो जिस भी तरीके का मोशन करता है उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन करता है वो आप देख लीजिए, कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए इसको ऐसे फेंका गया। तो जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाता है यू वेलोसिटी से, तो देखिए इसकी मतलब वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट निकाल लें, अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको यू वेलोसिटी से फेंका गया है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, एक तो ऊपर जा रहा है, दूसरी बात यह है कि आगे भी बढ़ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और आगे बढ़ेगा तो ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यू साइन थीटा और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यू कॉस थीटा। यानी इस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही होगी और इस वाले वेलोसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रही होगी। तो देखिए इसमें से ये मतलब वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो वो उसको ग्रेविटी उसको अपोज करती है, ठीक है। यानी ये जो ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन किधर होता है, वर्टिकल मोशन में इसका असर रहता है। तो ये जो यू साइन थीटा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो इस ऑब्जेक्ट को हाइट ही तो दे रही है, और ये वाली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को एक लेंथ एक डिस्टेंस दे रही है। तो जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी का इस वर्टिकल कंपोनेंट पर असर पड़ता है, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है इस जी की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में, जी के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। लेकिन ये जो यू कॉस थीटा है इसके ऊपर इस ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यू कॉस थीटा का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है। वर्टिकली अपवर्ड हो या वर्टिकली डाउनवर्ड हो जी का असर पड़ेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यू कॉस थीटा पर जी का ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, तो पूरे यात्रा के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाता है, ऑब्जेक्ट ऊपर अभी जा रहा है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाता है घटता जाता है। एक ऐसा केस आता है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर हम इसको वी वाई बोलें तो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम पोजीशन पर मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो जाती है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया इसका मतलब कि अब इस पार्टिकल को ऊपर ले जाने वाला जो कंपोनेंट है वो खत्म हो चुका है, यानी अब ये पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ पर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि यही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ऑब्जेक्ट ऊपर अभी तक जा रही है जा रही है जा रही है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अभी है लेकिन लगातार डिक्रीज हो रही है उस ग्रेविटी की वजह से। और डिक्रीज होते होते एक ऐसा केस आया कि वर्टिकल वेलोसिटी पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी अब ये ऑब्जेक्ट और ऊपर नहीं जा सकता है। तो यही मैक्सिमम हाइट हो गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा लगातार मेंटेन है पूरी यात्रा के दौरान, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी ये डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज होते होते यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ पर अब देखिए इस मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद अब क्या होगा, अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ था वो घटते घटते यहाँ पर जीरो हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, और इन्वर्ट होने की वजह से अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ वेलोसिटी जो काम करेगी ग्रेविटी उसको सपोर्ट करेगी। तो ग्रेविटी की वजह से अब वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो लगातार बढ़ता जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और फाइनली यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पर अगर आप दिखाएंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल उतना ही जितना कि यहाँ इनिशियल कंडीशन में था, यानी यू साइन थीटा के इक्वल, यहाँ पर भी यू साइन थीटा के इक्वल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी नहीं चेंज हुआ है ना, पूरी यात्रा के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी यू। इस तरीके का जो मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, कुल मिला के एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करने पर वो जिस तरीके का मोशन करती है टू डायमेंशन में या प्लेन में, उस मोशन को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है वो उस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएगा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएगा, हाइट प्रदान करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता जाएगा घटता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल ये जो ग्रेविटी होती है वो वर्टिकली मतलब काम करती है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में इसका असर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पूरी यात्रा के दौरान ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है कॉन्स्टेंट रहती है, बट वर्टिकल वेलोसिटी पहले तो घटती है घटती है, मैक्सिमम हाइट तक जीरो हो जाती है।
उसके बाद डायरेक्शन उसका इन्वर्ट हो जाता है, अब लगातार बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और सरफेस पर गिरे जब गिरती है तो वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी कि एकदम शुरुआत में यहाँ से जब चली थी तब जो वर्टिकल वेलोसिटी थी बिल्कुल उतनी ही। ठीक है, तो ये तो पूरी यात्रा हो गई। अब ये पार्टिकल इस देखिए, अगर इसको हम पॉइंट ओ बोलें, इसको पॉइंट पी बोलें, और नहीं इसको पी बोल दे रहे हैं और इसको हम ओ डैश बोल दे रहे हैं, तो ओ से लेकर ओ डैश तक, ओ से लेकर ओ डैश तक जाने में जितना समय लगता है पार्टिकल को, जब आपने यहाँ पर थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद यहाँ पर दोबारा गिरने में यानी दोबारा ज़मीन पर आने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं और इसका एक फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी इक्वल टू 2u sin θ / g, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ओ से लेकर ओ तक, ओ डैश तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फार्मूला ये आपको याद रखना है कि सरफेस से पार्टिकल की जो मैक्स ये वर्टिकल हाइट है, कह लीजिए मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट का फार्मूला है, हाइट कह सकते हैं या मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हैं इसको, तो हाइट का फार्मूला जो है h का फार्मूला, h इज इक्वल टू है u² sin²θ / 2g। तो पूरी यात्रा के दौरान पार्टिकल ने जो मैक्सिमम हाइट गेन किया है वो हाइट का ये फार्मूला होगा। तीसरी बात यह है कि पार्टिकल O से लेकर O डैश तक जब पहुंचा तो इसने जो भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज कितना है, इस रेंज को अगर R से एक्सप्रेस करें तो R इक्वल टू होता है u² sin²θ / g। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तीन फार्मूले तो आपको याद ही रखने हैं, और चौथा जो उसकी सबसे पहले हमको बताना था, चौथा ये है कि ये ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पर चलता है ये किस तरीके का है। जैसे देखने में तो आपको ऐसा भी लग सकता है ना, ये स्फेरिकल है या फिर ये पैराबोलिक बोला जा सकता है या कुछ और भी शेप ये बोला जा सकता है। तो ये जो शेप बन रहा है ये शेप कैसा होता है, ये इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है ये पहले हम इसके इक्वेशन से लिखते हैं। पहले तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन आता है वो आता है y = tan θx - g / 2u² cos²θ और यहाँ पर x², ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आया है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, यानी इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y = some constant b x - some constant c x² और ये जो इक्वेशन आया है वो किसका इक्वेशन है, इसमें आप देखिए एक दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो एक वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल y का मैक्सिमम पावर 1 है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल का पावर 2 हो और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 हो, तो ऐसा इक्वेशन किसका होता है, ऐसा इक्वेशन पैराबोला का होता है। ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर ये पैराबोला के इक्वेशन से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो ट्रेजेक्ट्री था, ये जो पाथ है, ये पाथ क्या है, ये पैराबोला के नेचर का है, यानी कि पैराबोलिक है। तो यही आपको याद रखना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, ये नेचर में पैराबोलिक होती है, नेचर में पैराबोलिक होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसके बारे में ये कुछ इक्वेशन आपको याद रखने, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। तो ये तीन इक्वेशन याद रखिए, ये चौथा इक्वेशन भी याद रखिए, पाथ या ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, क्योंकि परवलय के इक्वेशन से जो पैराबोला का इक्वेशन है उससे ये मैच कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के फार्मूले भी याद रखिए। इसके अलावा एक दो पॉइंट जो और हम मेंशन कर देते हैं उसको भी आप ध्यान रखिए यहाँ पर, फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हाइट है ये मैक्सिमम कब होगा,
हाइट मैक्सिमम कब होगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू, पहली बात तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा वाला टर्म मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का जो टर्म होता है वो मैक्सिमम वन होता है, तो साइन थीटा वन कब आता है, जब थीटा 90 होता है, और जब थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो ये पूरा वन हो जाएगा, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपान टू जी के इक्वल, और ये कब आया, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है जब कोई खिलाड़ी हाई जंप जिसको करना रहता है, ज्यादा हाइट उसको गेन करना रहता है, तो हाई जंप करने के लिए उसको अपनी बॉडी को 90 डिग्री की एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो अगर वो अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा हाइट वो गेन करेगा, और वो हाइट की वैल्यू इस फार्मूले से पता हो जाएगी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान टू जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, हाई जंप में जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दूसरा ये कि अगर आप रेंज की बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप फेंक रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे, जैसे जेवलिन थ्रो होता है ना, भाला फेंका ऐसे फेंकते हैं, तो उसमें टारगेट ये होता है कि सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे, तो सबसे ज़्यादा दूर जाने का मतलब सबसे ज़्यादा रेंज हो, और सबसे ज़्यादा रेंज कैसे मिलेगा, तो ये फार्मूले से आप देखिए, आर मैक्सिमम तो तब आएगा जब साइन थीटा, ये जो साइन टू थीटा वाला टर्म है ये मैक्सिमम हो, और साइन वाला जो फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन आती है, तो अगर ये साइन टू थीटा की वैल्यू वन रख दें तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपान जी के इक्वल, यानी मैक्सिमम रेंज तो इतना आएगा, लेकिन ये कब आएगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू वन होगी। साइन टू थीटा की वैल्यू वन का मतलब क्या, वन का मतलब कि साइन 90, तो इसका मतलब कि अगर हम कंपेयर कर दें तो टू थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना, 45, यानी 45 डिग्री पर जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा वो इस फार्मूले से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, तो जो लॉन्ग जंप होता है, ये तो हाई जंप के कॉन्सेप्ट में यूज होता है कि वर्टिकली आप इसको प्रोजेक्ट करिए, लॉन्ग जंप करना है बहुत ज़्यादा दूर तक अगर कूदना है तो आपको अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर जंप कराना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेंगे, सबसे ज़्यादा रेंज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ यूज होता है, ये लॉन्ग जंप में यूज होता है, और इसके साथ ही साथ जैवलिन थ्रो है ना, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, चक्का फेंक, जो ये सब गेम है, वो सब गेम में हम ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू 45, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और चीज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पता है कि मैक्सिमम इतनी हाइट तक आप फेंक सकते हैं, मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम 100 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं, तो अगर मैक्सिमम रेंज पूछा जाए कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में एक रिलेशन है। देखिए आप यहाँ से, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में एक रिलेशन है, इसमें अपान में टू को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें एकदम सेम है, या इसी में आप कह लीजिए इसमें टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, तो आर मैक्सिमम में अगर मान लीजिए इसमें टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू टू, और जो डिवाइड करेंगे वो इसके साथ रहेगा, यू स्क्वायर अपान टू जी। तो जो ये जो यू स्क्वायर अपान टू जी वाला टर्म है वो तो एच मैक्स है ना, इसका मतलब ये कि आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू एच मैक्स, यानी मैक्सिमम कितने रेंज तक हम ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं, जितना हमारा मैक्सिमम हाइट फेंकने का मतलब कैपेसिटी है उसका जस्ट दो गुना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम 100 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम कितने रेंज तक फेंकेंगे, 200 मीटर में। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम ये जो रेंज है इसके बीच का ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, और ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पूरा आल टू आल है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। सारे कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा दिए हैं, सारे फार्मूले भी बता दिए हैं, इतनी चीज़ें, पहली बात तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इन्हीं सारे को, और एक चीज़ और छूट गई है, ये भी आप देख लीजिए कि थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों के लिए रेंज सेम होता है, अगर इसका रेंज आर है और इसका रेंज आर डैश है तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल के लिए रेंज सेम होता है, लेकिन हाइट अलग अलग होगा। तो जिसके लिए जो अगर थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा से ज़्यादा है तो इसके लिए हाइट ज़्यादा होगा, अगर ये एंगल ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए हाइट ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट तो डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी हाइट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो दोनों अगर अलग अलग एंगल हैं, जैसे मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, तो 30 और 60 दोनों के केस में रेंज तो सेम होगा, मतलब 30 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंकिए, 60 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंकिए, पहुंचेगा तो सेम जगह पर,
लेकिन दोनों का हाइट अलग होगा, 30 वाले का हाइट कम होगा और 60 वाले का हाइट ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा हाइट। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये मिस हो रहा था, ये भी आपको मिल गया है, इसको भी आप याद रखिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना ही कंप्लीट है, सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में और अच्छे से इन सबको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके न्यूमेरिकल पर आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको आइडिया अगले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में देखिए, आप बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ही परिचित हैं इस बात से कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए, सपोज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है, मतलब जो भी सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट सरफेस में ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन या टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट और उसी के पैरेलल एक अपोजिंग फोर्स काम करता है जो इस ऑब्जेक्ट को रोकता है, इसको चलने से रोकता है या इसके मोशन को अपोज करता है। इसी अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इस ऑब्जेक्ट पर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स एसी के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो सरफेस है वहाँ पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। हो सकता है कि इस फोर्स को लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करे, हो सकता है कि इस फोर्स को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव ना करे लेकिन मूव करने की टेंडेंसी हो। तो ऑब्जेक्ट चाहे मूव कर रहा हो चाहे मूव नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करवाना चाहते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल पैरेलल एक फोर्स काम करेगा जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी फ्रिक्शन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप जब फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो भले वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने की टेंडेंसी तो है, तो मूव करने की टेंडेंसी भी अगर है तो ऐसे केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। नहीं तो आप सोचिए, अगर आप मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उस 5 न्यूटन की वजह से इसको मूव तो करना चाहिए ना। इसका मतलब अगर ये मूव नहीं किया है तो कोई ना कोई ऐसा है जरूर जो 5 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा था जिसने उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोक दिया। अच्छा, अगर आप 5 की बजाय इस फोर्स को बढ़ा के मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जब आप अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन का लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। फिर आपने क्या किया, इसको बढ़ा के 6 न्यूटन किया और ये फ्रिक्शन भी बढ़ गया अपने आप से, कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। ऐसा होता है। और अगर आपने 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, 7 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया और ये 7 न्यूटन हो गया और ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस पूरे टेबल से क्या पता चल रहा है कि अप्लाइड फोर्स जब आप बढ़ाते हैं तो अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी के हिसाब से बढ़ जाती है या एडजस्ट हो जाती है। इसी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोला जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका नेचर ऐसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी है कि कभी भी आप फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगी। शुरुआत में ऐसा होता है कि आप फोर्स बढ़ाते जाइए तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ऑब्जेक्ट को आगे नहीं जाने देता है। तो ऐसे केस में अभी तक ये जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, ऐसे केस में इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मान लीजिए इसके बाद आपने क्या किया, 7 से जैसे ही आपने बढ़ा के 8 न्यूटन किया, तो जब 8 न्यूटन आपने किया तो यहां पर भी ये क्या हो गया, ये हो गया 8 न्यूटन। और अब इस 8 न्यूटन से जैसे ही आप ज्यादा थोड़ा सा करेंगे 8.1 न्यूटन, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगे, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, मतलब ये कि 8 न्यूटन ही वो लिमिटिंग कंडीशन है, वो बाउंड्री है वो 8 न्यूटन का, कि अगर आप फोर्स 8 न्यूटन का लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी 8 न्यूटन का लगेगा, इससे ज़्यादा ये वाला फोर्स एडजस्ट नहीं हो सकता, है ना। यानी ये बाउंड्री है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया तो अब ये जो फ्रिक्शन था वो 8 न्यूटन से ज़्यादा होके 8.1 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शन है ये है
स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वाला केस। ऑब्जेक्ट अभी भी रुका है, चल नहीं रहा, चलेगा तो इस वाले केस में चलेगा, 8.1 जब आप अप्लाई करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन उससे जस्ट पहले जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था, इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी का नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अभी तक मूव नहीं कर रहा था, अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक भी नहीं कर रहा था, तो यहाँ तक तो हमने इसको सिंपली स्टैटिक बोला। अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये लास्ट कंडीशन है, लास्ट स्टेप है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप फोर्स की वैल्यू को इससे थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगेगा और जो फ्रिक्शन काम करेगा वो इससे कम हो जाएगा, 8 की बजाय ये हो सकता है 7.8 न्यूटन ही काम करे। यानी कि पहले तो आप फोर्स बढ़ा रहे थे तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, ये लिमिटिंग वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी होनी थी फ्रिक्शन की वो हो गई। अब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, अब आप कोई भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई करिए, अब ऑब्जेक्ट मूव ही करेगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन इतना ही काम करेगा, इससे कम ही काम कर सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाली कंडीशन में पहुंचने ही वाला था लेकिन मूव किया नहीं था, फिजिकली अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो आप कह लीजिए कि स्टैटिक का जो ये मैक्सिमम वाला कंडीशन है इसमें जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ये बात इस एग्जांपल से, इस टेबल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग स्टैटिक क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अच्छा, अब ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसके लिए जो फार्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब वही है, लिमिटिंग वाली हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सारी बातें लिमिटिंग स्टैटिक में, कौन से स्टैटिक, लिमिटिंग वाली, मैक्सिमम वाली कंडीशन। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में ये फार्मूला आप याद रखिए कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। इसमें एफ एस क्या है, यही है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये स्टैटिक का जो मैक्सिमम वाला केस होता है ये वही है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और म्यू एस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, यानी कोफिशियंट ऑफ, इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो आर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो आप समझते होंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, है ना, और ये ऑब्जेक्ट का मास m है, और तो m इंटू जी इसका वेट होगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में, उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, r इक्वल टू किसके होता है, एम जी के इक्वल होता है, ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल की बजाय किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रख दिया जाए, जैसे कि ऐसे रख दिया जाए, तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से एम जी का डायरेक्शन ये होगा, और थीटा अगर ये है तो ये थीटा, यहाँ पर भी ये एंगल थीटा बनता है, बाई जीमेट्री ये थीटा ही आता है। और अगर ये एम जी है तो थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो एम जी कॉस थीटा आएगा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो इधर आएगा वो एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी के इक्वल नहीं है, एम जी तो ये वर्टिकली इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा है यहाँ पर, तो नॉर्मल रिएक्शन इस बार एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू किसके, एम जी कॉस थीटा के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस का है कि इंक्लाइंड सरफेस का है।
इंक्लाइंड सरफेस का होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस का है तो ये जो आर है वो एम जी के ही इक्वल हो जाएगा। इस आर को बोलते क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस को बोलते स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ एस को क्या, सॉरी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो एफ एस है उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक हम ग्राफ बना लें, और वो मतलब ग्राफ ये है कि अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये रिजल्टेंट को कोई नाम दे दीजिए आप, एफ, चलिए डैश बोल रहे हैं। और ये ग्राफ हमने किस कंडीशन में बनाया है, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होती है उसमें जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से समझिए इस बात को, ये क्या है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में बनता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बन, नॉर्मल रिएक्शन और, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। डिफिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा। देखने को तो बड़ा ही छोटा सा फार्मूला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से भी जुड़ा हुआ है, और देखिए ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी आप म्यू एस निकाल सकते थे, यहाँ से अगर आप म्यू एस निकालते तो कितना आ जाता है, एफ एस और अपान में नॉर्मल रिएक्शन आर। तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। तो दोनों आप, अब ये तो है नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे, दोनों को आप याद रखिए फार्मूले को, और म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा को ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये हुआ आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का केस। बिल्कुल ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फार्मूला आता है। मान लीजिए अगर हम यहीं पर इसको हटा दें, स्टैटिक की जगह पर अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पर एफ के आ जाएगा, यहाँ पर भी म्यू के आ जाएगा, और इस म्यू को के को क्या बोलेंगे, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये फार्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर पिछला वाला था, काइनेटिक वाले में एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर बोल देंगे, और आर का मतलब अभी भी वही है। ठीक है, आर का मतलब अभी भी क्या है, म्यू, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो आर इक्वल टू एम जी, इनक्लाइंड सरफेस है तो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ यहीं पर समझ लीजिए आप, कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है, अगर ये जस्ट स्लाइड होने ही वाला है, हुआ नहीं है, जस्ट स्लाइड होने ही वाला है, तो ऐसे केस में ये जो एंगल थीटा यहाँ बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये भी नाम याद रखिए कि अगर इंक्लाइन सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो इंक्लाइनेशन होता है, इस इंक्लाइनेशन को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज़ है, एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज़ होता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका जो है, चलिए इसको हम हटा रहे हैं, इंक्लाइन सरफेस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं उनके कंडीशन को देख ले रहे हैं, कि मान लीजिए कि इंक्लाइन सरफेस पर ये कुछ ऐसा है सिचुएशन, मान लीजिए ये थीटा है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इसका वेट एम जी और ये इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये एंगल के इक्वल यहाँ पर थीटा है ये, और ये आ गया आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की ओर, इसके ऊपर एक फोर्स एम जी साइन थीटा काम कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर इधर एक फोर्स काम कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, अगर इसको हम एफ एस बोल दें।
तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि r जो है वो किसके इक्वल है, r इक्वल टू है mg cos थीटा के। ये जो r है वो mg cos थीटा के इक्वल और अपोजिट है, तो ये बैलेंस कर रहा है इसको। और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में है, तो इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शन fs है उसने इस वाले फोर्स को बैलेंस कर लिया, ये भी तो फोर्स है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन fs किसके इक्वल हो जाएगा, ये mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तब जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड और किधर करेगा, फोर्स इधर लग रहा है तो स्लाइड भी तो इधर ही करेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है। और वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मतलब कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा था। अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस वाले फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब ये फोर्स इफेक्टिव था, ये फोर्स ज़्यादा था। लेकिन कितने फोर्स की वजह से ये मूव कर रही है, तो टोटल इस फोर्स की वजह से नहीं, क्योंकि इस फोर्स को अपोज करने वाला भी फोर्स प्रेजेंट है। तो इसके मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो नेट फोर्स है, एफ नेट कह लीजिए, वो कितना है, तो एफ नेट इक्वल टू इस पूरे फोर्स यानी एम जी साइन थीटा में से आपको एफ एस को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये 10 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, तो कितने फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है, तो 10 में से इस 3 को माइनस करिए, यानी 7 न्यूटन की वजह से ये मूव कर रहा था। तो एम जी साइन थीटा में से एफ एस को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, जिस फोर्स की वजह से इधर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया है। तो इसका मतलब कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस वो नेट फोर्स के इक्वल होगा, और नेट फोर्स को आप न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा और माइनस एफ एस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये एफ एस जो है एम जी साइन थीटा के इक्वल हो सकता है, लेकिन एफ एस जो है वो एम जी साइन थीटा से कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के केस में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे, इन सब को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। और अगर इसके अलावा भी कोई कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अगर बच गया है, तो वो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको उसमें आपको एक्सप्लेन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है, तो आप लोग लेक्चर को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हमने कवर करने की कोशिश करी है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस विद इन द टाइम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर सारा सिलेबस और अच्छे तरीके से कवर किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।